यह मूवी रॉकी सीरीज की 6th पार्ट और क्रीड सीरीज का 1st पार्ट है, जिसमें हम जुनूनियत से भरी एक बॉक्सर की कहानी को देखेंगे जो अपने पैशन के लिए पागल होता है, जो यह साबित करने के लिए लड़ता है कि वह कोई गलती नहीं। बॉलीवुड गोल्डन डायरीज प्रेजेंट क्रीड। कहानी की शुरुआत में हमें 10 साल के एक बच्चे को दिखलाया जाता है जो कि एक जेल में होता है। वह जेल में उपस्थित दूसरे कैदी बच्चों से लड़ रहा होता है, जिसे अलग करके एक लॉकअप में डाल दिया जाता है। उससे वहाँ एक महिला मिलने आती है। जो महिला उसे बतलाती है कि वह उसकी आंट है। वह महिला उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। वह बच्चा उस महिला से एक सवाल पूछता है कि उसका पिता कौन है, और जवाब होता है अपोलो क्रीड। फिर वह उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखलाया जाता है जो कि एक बॉक्सर होता है और बॉक्सिंग करने के लिए तैयार हो रहा होता है। यह वही लड़का होता है जिसे वह महिला जेल से लेकर आई थी, जिसका नाम अडोनिस होता है। यह अपने फाइट में बहुत एक्सपर्ट होता है और अपने अपोनेंट को एक ही राउंड में नॉकआउट कर देता है। इस सीन में हम देखते हैं कि अडोनिस एक ऑफिस में बैठे होते हैं। उसके हाथ में एक लेटर होता है। वह लेटर को लेकर अपने बॉस के पास जाता है। दरअसल अडोनिस यहाँ से रिजाइन करना चाहता है, क्योंकि अब वह ठान चुका है कि वह अपना करियर बॉक्सिंग में बनाएगा। वह यहाँ से अपने घर जाता है। वह अपनी माँ को यह सब बातें बतलाना चाहता है, पर वह बता नहीं पाता। अगले दिन वह अपने अंकल के पास जाता है जो कि एक जिम में बॉक्सिंग ट्रेनर है, और वह उसे बॉक्सिंग सिखलाने के लिए बोलता है, पर वह मना कर देते हैं। फिर गुस्से में अडोनिस अपनी कार की चाबी दिखला के वहीं खड़े एक बॉक्सर को चैलेंज करता है और उस बॉक्सर को बहुत गंदी तरह से मारता है। फिर अडोनिस चिल्लाता है और कोई। फिर वहीं खड़ा एक बॉक्सर जिसका नाम डैनी विलर होता है, वह अडोनिस के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और जब इन दोनों के बीच फाइट होती है तो वह अडोनिस को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे अडोनिस वहीं जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन अडोनिस अपनी माँ को बताता है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी, अब वह एक बॉक्सर बनना चाहता है, जिसके लिए वह अपनी घर छोड़ के फिलाडेल्फिया जा रहा होता है। वहाँ जाके वह एक होटल में स्टे करता है। होटल से अडोनिस सीधे एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ उसे रॉकी बैल्बुआ मिलता है। रॉकी बैल्बुआ वही बॉक्सर होता है जिसे उसके पिता ने ट्रेनिंग दी होती है, और वह एक टाइम का वर्ल्ड चैम्पियन होता है। वह उससे बातें करता है और उसे बोलता है कि आप मुझे ट्रेन कीजिए, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ। लेकिन रॉकी उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। दरअसल रॉकी इन सब चीज़ों से अब दूर हो चुका होता है। एक रात जब वह अपने होटल रूम में होता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे एक लाउड म्यूज़िक सुनाई देती है। जब वह उस म्यूज़िक को बंद कराने के लिए जाता है तो वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम प्रियंका होता है। अगले दिन अडोनिस जब जिम जाता है तो उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम लियो होता है। लियो यहाँ का चैंपियन और जिम ट्रेनर का बेटा होता है। वह जिम से जब घर जा रहा होता है, तब रास्ते में उसे वही लड़की का पोस्टर दिखाई देता है जिस लड़की से वह होटल में मिला था। यह पोस्टर एक म्यूजिक इवेंट का होता है। जब अडोनिस इस म्यूजिक इवेंट पर पहुँचता है, तब वह उस लड़की को गाते हुए देखता है। जब वह उस लड़की को गाते हुए देख रहा होता है, तब वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगले दिन सुबह वह रिकी के पास जाता है और रिकी से कुछ एक्सरसाइज लिखवाता है। दरअसल वह रिकी को अपना कोच बनाना चाहता है, पर रिकी उससे मना कर देता है, जिसके कारण वह उससे कुछ एक्सरसाइज लिखवाता है। फिर वह वहाँ से सीधे प्रियंका के पास जाता है। वह प्रियंका को अपने साथ डिनर में जाने के लिए कहता है। प्रियंका इसके लिए राजी हो जाती है। फिर वे दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ प्रियंका उसे वहाँ का फेमस डिश खिलाती है। फिर जब वे आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी प्रियंका के कान में वह कुछ नोटिस करता है। वह एक ईयर बैंड होता है। प्रियंका उसे बताती है कि हाई म्यूजिक के कारण उसके कान धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, जिसके कारण उसे अब पहनना पड़ता है। अगले दिन रॉकी अपने फ्रेंड और अपने वाइफ के कब्र के पास जाकर वाइन और फूल रखता है और वहाँ से सीधे जिम जाता है। जब वह जिम जाता है तो वहाँ उसे अडोनिस मिलता है। वह अडोनिस से बातें करता है और उसे एक्सरसाइज कराने लगता है। वह उसे अपने तरीके से एक्सरसाइज कराता है। वह अडोनिस को देसी एक्सरसाइज कराता है, यानी कि यह एक्सरसाइज जिम में ना होकर जिम से बाहर होती है। जब अडोनिस की यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, तब यहाँ से वह प्रियंका से मिलने के लिए जाता है। प्रियंका और अडोनिस के बीच की दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही होती है। वे दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे अडोनिस प्रियंका को किस भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी जब अडोनिस को जिम में ट्रेनिंग दे रहा होता है, तब वहाँ का जिम ट्रेनर रॉकी के पास आता है और रॉकी को अडोनिस और अपने बेटे लियो के बीच मैच रखने के लिए बोलता है। रॉकी शुरू में यह फाइट नहीं चाहता, पर अडोनिस की जीत करने के कारण वह इस फाइट के लिए हाँ कर देता है। तब अडोनिस होटल से रॉकी के साथ शिफ्ट हो जाता है, ताकि रॉकी उसे हर वक्त प्रैक्टिस करा सके और उसके डाइट को मेंटेन कर सके। फिर अगले दिन सुबह वह 5 बजे अडोनिस को उठाता है
और उसे एक एक्सरसाइज के लिए लेकर जाता है। वह उसे एक नए जिम में लेकर जाता है जहाँ पर वह अन्य नए लोगों से मिलता है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपने फील्ड का मास्टर होता है। यहाँ पर अडोनिस अपने नए बॉक्सिंग ट्रेनर से मिलता है जो उसे कई नए नए ट्रेनिंग भी सिखाता है। वह उसे शैडो बॉक्सिंग सिखाता है और अन्य प्रकार के कलाएँ भी सिखाता है। रॉकी का साथ पाकर अडोनिस बहुत खुशी से प्रैक्टिस करता है। फिर वह दिन आता है जब अडोनिस और लियो के बीच मैच होने वाला होता है। लियो के पिता रॉकी के पास आते हैं और वह उसे अडोनिस के असलियत के बारे में बताता है। रॉकी उसे अडोनिस के इस खर्च के बारे में किसी को न बताने के लिए कहता है। अडोनिस का यह बॉक्सिंग मैच देखने के लिए प्रियंका भी आई होती है। जब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होता है तब मैच के फर्स्ट राउंड में लियो अडोनिस के ऊपर बुरी तरह से भारी होता है और वह अडोनिस को बहुत मारता है। लेकिन जब मैच का सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है तब अडोनिस लियो के ऊपर बुरी तरह से भारी होता है और वह एक ही पंच में लियो को नॉकआउट कर देता है और आसानी से यह मैच जीत जाता है। अगले दिन जब ये तीनों खुशी मनाते हुए किचन में खाना बना रहे होते हैं तभी प्रियंका इन्हें एक न्यूज़ दिखाती है जिसमें अडोनिस के पिता और अडोनिस के बारे में एक न्यूज़ आ रही होती है। दरअसल अब सभी को यह पता चल गया होता है कि अडोनिस अपोलो क्रीड का बेटा है। यह बात जब रिकी कॉर्नल और उसके मैनेजर को पता चलता है तब वह वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अडोनिस को चैलेंज कर देता है। दरअसल वे अडोनिस के पिता अपोलो क्रीड के नाम का फ़ायदा उठाकर अधिक पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए रिकी कॉर्नल का मैनेजर अडोनिस और रॉकी से मिलने के लिए उनके पास आता है और उनसे एक फाइट के लिए बोलता है, जिस पर अडोनिस कुछ दिन का समय मांगता है। वहाँ से अडोनिस सीधे प्रियंका के पास जाता है जहाँ प्रियंका उसे बतलाती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। फिर वहाँ से अडोनिस सीधे रॉकी के पास जाता है जहाँ वह रॉकी को बोलता है कि वह अब फाइट करेगा। फिर रॉकी उसे ट्रेनिंग देने के लिए लग जाता है। जब रॉकी और अडोनिस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी अचानक रॉकी को उल्टियाँ होने लगती है और वह चक्कर खा के वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जब अडोनिस उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका कंप्लीट बॉडी ट्रीटमेंट दिया जाता है और चेकअप किया जाता है। एक दिन के कंप्लीट बेड रेस्ट के बाद डॉक्टर रॉकी को छोड़ देते हैं। रॉकी वहाँ से सीधे जिम जाता है और अडोनिस को ट्रेनिंग देने लगता है। वे जब ट्रेनिंग दे रहा होता है तभी डॉक्टर का कॉल आता है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल बुलाया जाता है। रॉकी जिम से सीधा हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर उसे बतलाता है कि रॉकी को लंग कैंसर है और अगर उसने जल्द से जल्द कीमोथेरेपी ना कराई तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए वह रॉकी को ऑपरेशन कराने की एडवाइस देती है। लेकिन रॉकी इससे मना कर देता है क्योंकि यह सेम बीमारी उसकी वाइफ को भी थी। यहाँ से रॉकी जब जिम जाता है तो वह डॉक्टर के द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन को अपने जैकेट में ही भूल जाता है और यह डिस्क्रिप्शन अडोनिस के हाथ लग जाता है। तब अडोनिस को पता चलता है कि रॉकी को लंग कैंसर है। वह इसके इलाज के लिए उसे बोलता है पर रॉकी इससे सरासर मुकर जाता है और वह इलाज नहीं कराना चाहता, जिसके कारण इन दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हो जाती है और अडोनिस वहाँ से उठकर सीधे प्रियंका के पास चला जाता है। दरअसल प्रियंका का आज एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है। यहाँ पर प्रियंका के टीम का जो लीड सिंगर होता है वह अडोनिस के साथ सेल्फी लेता है और जब वह सेल्फी ले रहा होता है तभी वह अडोनिस को बेबी क्रिएट करके चिढ़ाता है, जिससे अडोनिस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह उसे मारने लगता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे एक जेल में लेकर चली जाती है। उस जेल में रॉकी उससे मिलने आता है। जब रॉकी वहाँ उससे मिलने आता है तब दोनों काफ़ी बातें करते हैं। अगले दिन अडोनिस जब जेल से छूटता है तो वह छूटकर सीधे प्रियंका के पास जाता है और वह अपनी गलती के लिए उसे माफ़ी मांगता है। तब वह प्रियंका को बतलाता है कि रॉकी को लंग कैंसर है और यह बात उसे ठीक इवेंट के कुछ देर पहले ही पता चली थी, जिसके कारण वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उस सिंगर को मार देता है। तब प्रियंका उसे यह कहकर भेज देती है कि हम दोनों का करियर अभी स्टार्ट हुआ है और हम दोनों को अभी काफ़ी आगे जाना है, ऐसा कहकर वह दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ से अडोनिस सीधे जिम जाता है और दरवाज़ा बंद पाकर वहीं नीचे बैठ जाता है। वह कुछ सोचता है फिर वहाँ से सीधे रॉकी के घर जाता है। वह रॉकी से बातें करता है और रॉकी को ऑपरेशन के लिए मना लेता है। वह रॉकी को बोलता है कि अगर आप कैंसर से फाइट करोगे तब मैं रिंग पे फाइट करूंगा। और जब दोनों का सुलह हो जाता है तो फिर ये अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं। जब ये हॉस्पिटल में होते हैं तब रॉकी कहता है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करो। फिर वहीं पर वह अडोनिस को बॉक्सिंग सिखाने लगता है। फिर वह वहाँ शैडो बॉक्सिंग करता है। वह सीढ़ियों पर भागता है। अडोनिस बहुत मेहनत करता है और अपने बॉडी को शेप में लाने की कोशिश करता है। इस तरफ रॉकी भी कैंसर से लड़ रहा होता है। वह अपने हालातों से जूझ रहा होता है। उसे वक्त बे वक्त उल्टियाँ हो रही होती है।
फिर भी वह अडोनिस का साथ नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ रिकी कॉर्नल जो कि एक हैवीवेट चैंपियन होता है, वह भी अपने टाइटल को बचाने के लिए जी जान लगाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब दूसरी तरफ अडोनिस का प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गया होता है, उसका ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो गया होता है। फिर वह दिन आता है जब दोनों के बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन का प्रेस अनाउंसमेंट होना था। फिर ये दोनों आते हैं, जब प्रेस इनके सामने होती है तो प्रेस के द्वारा किए गए सवालों का ये बखूबी से जवाब दे रहे होते हैं। यहाँ पर रिकी कॉर्नल अडोनिस के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यही बंद कर दी जाती है। फाइट के एक रात पहले जब रॉकी और अडोनिस आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर प्रियंका भी आती है। वह अडोनिस का हौसला बढ़ाने के लिए आती है। फिर वह दिन आता है जब रिकी और अडोनिस के बीच फाइट होना था, ये दोनों आपस में फाइट करने के लिए बेकरार होते हैं। वहाँ अडोनिस को एक गिफ्ट भी मिलता है जो उसकी मॉम ने भेजा होता है। वह उसे खोलता है, वहाँ उसे एक जर्सी दिखाई देती है जिस पर पीछे जॉनसन यानी उसकी माँ का सरनेम और आगे क्रीड लिखा होता है जो कि उसके पिता का सरनेम होता है। वह उस जर्सी को पहनकर जब फाइट करने के लिए अरीना में पहुँचता है, तब वह देखता है कि पूरा अरीना शांत होता है। यहाँ पर अडोनिस को कोई चेयर नहीं कर रहा होता। दरअसल सबको ऐसा लग रहा होता है कि अडोनिस रिकी के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पर रिकी की एंट्री होती है। जब रिकी की एंट्री होती तो पूरा अरीना घूल जाता है। यहाँ पर सभी रिकी रिकी करके चिल्ला रहे होते हैं, रिकी के नाम का शोर होता है। फिर वह समय आता है जब यह मैच स्टार्ट होता है। जब यह मैच स्टार्ट होता है तो मैच के पहले ही राउंड में रिकी अडोनिस को बहुत बुरी तरह मारता है। सबको यह लगने लगता है कि यह मैच दो राउंड से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। अगले राउंड में अडोनिस जोरदार वापसी करता है और रिकी को एक जोर का पंच मारता है, जिससे वहाँ उपस्थित सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि रिकी खुद भी हैरान हो जाता है कि आखिर उसने ऐसा किया कैसे। फिर इन दोनों के बीच एक ऐसा फाइट स्टार्ट होता है जिसमें सिक्के का दोनों पहलू बराबर होते हैं, अर्थात कभी रिकी हैवी होता है तो कभी अडोनिस रिकी के ऊपर हैवी होता है। जब सातवां राउंड शुरू होता है तो सातवें राउंड के शुरुआत में ही रिकी अडोनिस को एक जोर का पंच मारता है, जिससे अडोनिस ज़मीन पर जा गिरता है और रिकी इससे खुश होकर खुशी मनाने लगता है कि वह अब जीत जाएगा। सभी लोग यह सोच रहे होते हैं कि यह मैच समाप्त हो गया। तभी अचानक अडोनिस उठकर खड़ा हो जाता है और रेफरी के पूछने पर वह जवाब देता है कि वह ठीक है और यह मैच कंटिन्यू रहता है। रिकी के द्वारा मारे गए पंच के कारण उसके बाईं आंख पूरी तरह सूज जाती है और उससे उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर भी यह मैच शुरू होता है और जब मैच स्टार्ट होता है तो मैच के शुरू होने के कुछ देर बाद ही अडोनिस रिकी के ऊपर बिजली की तरह टूट जाता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। फिर वह रिकी को एक जोर का पंच मारता है और रिकी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। फिर सबको लगता है कि यह मैच अब अडोनिस की झोली में आ गिर गई। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रिकी वहां खड़ा हो जाता है और यह मैच टाई हो जाती है। फिर इस मैच का निर्णय रेफरी के द्वारा किया जाना था, जहां रेफरी इस मैच का विजेता पॉइंट्स के हिसाब से रिकी को चुनती है। यहां पर अडोनिस इस मैच को भले ही नहीं जीत पाता, पर वह यहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल को ज़रूर जीत लेता है। यहां पर वह भीड़ जो अडोनिस के आने पर खामोश थी, वह अब अडोनिस के नाम के नारे लगा रही थी। यहाँ पर रिकी भी एक परफेक्ट चैंपियन की तरह आता है और अडोनिस को गले लगाकर बधाई देता है। इस तरह यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। इस मूवी के सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपनी फेवरेट मूवी हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें।